permutation and combinations, या यू कह लो कि how to count without actually counting. Hello everyone, my name is Namrata Jaisinghani और आज हम जो chapter start करने वाले हैं permutations and combinations, वो मेरा तो बहुत ही ज्यादा favorite topic है. और अगर आप आधा घंटा ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको पक्का लगेगा कि अब से मैम ये हमारा भी बहुत ही ज्यादा फेवरेट चैप्टर है. क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत कैसे करें, तो मैं कोई आपको थ्योरम या प्रिंसिपल बता के बोर करने वाली नहीं हूँ. इनफैक्ट मैं आपको अपना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताने वाली हूँ और मैं आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाली हूँ. तो हुआ यू था कि मुझे जाना था जयपुर से मुंबई. मैंने सर्च किया IRCTC पे, पेटीएम पे, और मुझे रियलाइज हुआ कि जयपुर से मुंबई का डायरेक्ट मुझे फ्लाइट या ट्रेन मिली नहीं रही. लेकिन जयपुर से मुंबई तो नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे वाया कोटा काफी सारे ऑप्शंस दिखने लगे. इनफैक्ट जयपुर से कोटा जाने के लिए मेरे पास 3 ट्रेन अवेलेबल थी एंड कोटा से फिर मुंबई जाने के लिए मेरे पास 2 ट्रेन अवेलेबल थी. और बच्चों यही है आज का सबसे पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट. और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि 3 डेज टू ट्रैवल फ्रॉम जयपुर टू कोटा एंड देन 2 डेज टू ट्रैवल फ्रॉम कोटा टू मुंबई. डायरेक्ट तो मिल ही नहीं रहा, तो अब क्या करें. तो जयपुर से मुझे कोटा जाना पड़ेगा, कोटा से मुंबई जाना पड़ेगा. और इन हाउ मेनी वेज, पर्सन वो पर्सन तो मैं ही हूं ना, तो कितने तरीकों से मैं ट्रैवल कर सकती हूँ जयपुर टू मुंबई वाया कोटा. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है. तो अब समझते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते. तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जयपुर से मुंबई जाना है वाया कोटा. जयपुर से कोटा जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, ए बी सी, मतलब 3 ट्रेन अवेलेबल है. एंड कोटा से मुंबई जाने के लिए मेरे पास 2 ट्रेन अवेलेबल है. तो आओ पहले गिन लेते हैं विदाउट एक्चुअली काउंटिंग. नहीं, एक्चुअल हम काउंट करते हैं जैसे उंगलियों पे गिनना होता है, राइट. तो कोई भी बता दे, आप लोग मुझसे पहले कर लोगे. तो सबसे पहले जयपुर से कोटा के लिए मैंने सोचा ए ट्रेन पकड़ लूं एंड देन कोटा से मुंबई फिर 1 ट्रेन पकड़ लूं, तो ये एक रास्ता हो गया. सिमिलरली जयपुर से कोटा ए एंड देन कोटा से मुंबई ट्रेन नंबर 2 पकड़ लिया, ठीक है. तो एक ऐसे चले गए एंड देन एक बार ऐसे चले गए. फिर उसके बाद B1, मतलब यहां से हाँ बी ट्रेन से गए एंड देन कोटा से मुंबई 1 ट्रेन से गए. सिमिलरली B2 एंड सिमिलरली C1 या C2, है ना. तो 6 तरीकों से आप देख सकते हो, आप गिन सकते हो कि 6 वेज से मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, राइट. तो टोटल 6 तरीके से, 6 ऑप्शन है. अभी जो सस्ता पड़ेगा मैं उसी से जाऊंगी, लेकिन 6 तरीकों से ट्रैवल कर सकते हैं. बट चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था ना कि हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग, तो ऐसे तो गिनना ही नहीं था. तो कैसे गिने अब समझते हैं. तो हुआ क्या एक्चुअली, अगर आप ध्यान देंगे तो जयपुर से कोटा एक इवेंट बनना है बच्चों. तो जयपुर से कोटा एक इवेंट एंड कोटा से मुंबई आपका दूसरा इवेंट, राइट. और आप ये देखो कि जयपुर से कोटा एक इवेंट है एंड लग रहा है साथ में, मतलब कंपलसरी मुझे कोटा में रुकना नहीं है, ठीक है. तो कोटा से मुंबई जाने ही जाना है, तो एंड लगा हुआ है. तो सबसे पहले जयपुर से कोटा जाने के लिए कितने रास्ते हैं, तो या तो ए से चले जाओ मैम, या तो बी से चले जाओ, या सी से. तो 3 रास्ते यहां हो गए, राइट. अब कोटा से मुंबई जाने के लिए कितने हो गए, 2 रास्ते. और इनको क्या करें, आपको भी दिख रहा है कि इनको करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों जाना कंपलसरी है ना. एंड का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई. तो 3 2 6 वेज. अब आप बोलोगे मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने तो ये इसको ऐसे ही गिन लिया. पर बच्चों जब आपका डेटा बड़ा हो जाएगा ना, तब आपको ये मेथड ऐसा लगेगा ना, एक लिट मेथड, बिल्कुल सैवेज मेथड आपको मैंने बता दिए, राइट. थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम को ना कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है. तो अब आपके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बढ़ गया है, क्योंकि आना तो मुझे वापस जयपुर था ही था, राइट. तो हुआ क्या कि हाउ मेनी डेज आपको एक राउंड ट्रिप करनी है बेसिकली, आपको दिख रहा है. तो हमें जाना है जयपुर से मुंबई वाया कोटा, लेकिन अब वापस भी आना है, तो मुंबई से जयपुर भी आना है वाया कोटा, और हमें राउंड ट्रिप करनी है बच्चों. तो राउंड ट्रिप करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, जो हम बचपन में करते थे, पहले गिन लेते हैं कितने तरीके हैं, ठीक है. तो अगर मैं ये ए ट्रेन ले लेती हूँ और ये 1, ये एक रास्ता है कि ए 1 से चली गई, ठीक है, जाने का. तो आप क्या कह सकती हूँ, 1 ए से आ सकती हूँ,
राइट, या फिर 2A से भी तो आ सकती हूं, इजंट इट। अगर मैं A1 से चली गई, फिक्स कर दिया मैंने कि मैं गई तो फिक्स हूं, आने के कितने रास्ते हैं वो देखो, तो 1A से आ गए या 2A से आ गए। या फिर ऐसे भी कर सकती हूं यार मैं कि 1B से आ गए, 2B से आ गए, है ना। ठीक है, तो A1 से गए और आए कैसे, अलग अलग हो गए। A1 से गए 1A, 2A, 1B, 2B आपको भी पता है, 1C एंड 2C। बस A1 से गए तो ये 6 अलग अलग रास्ते होंगे ना, तो हमने अभी किया। A1 से गए तो वापस लौटने के 6 अलग अलग रास्ते। अच्छा, अब A1 से चले गए, खत्म हो गया। और मैं सोच रही हूं कि यार जाने का बदल लेते हैं, B1 से गए। अगर B1 से गए, B1 से गए, ठीक है, तो B1 से गए तो आने के फिर से ये भी 6 रास्ते हो जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, B1 से गए तो आने के 1A, 2A, 1B, 2B, 1C, 2C हो जाएगा। सिमिलरली अब आप कहां से जाओगे, ओके, C1 से जाओगे तो फिर से 6 रास्ते हो जाएंगे, राइट, फिर से 6 रास्ते हो जाएंगे। ऑल राइट, तो A1, B1, C1 हो चुका है। उसके बाद आप कहां से जाओगे, बोलो, A2 से जाओगे, फिर उसके करिस्पॉन्डिंग 6 रास्ते हो जाएंगे कि नहीं। और उसके बाद B2 से भी 6 रास्ते एंड C2 से भी 6 रास्ते। अब आप खुद ही देख रहे हो कि जितना मुझे बताने में इतना ज्यादा मेहनत लग रही है, आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा मेहनत ही, मतलब मजदूरी वाला काम हो गया है। लेकिन हमने पहले डिस्कस किया था कि हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग, हम चीजों को आसान बनाने के लिए बैठे। तो क्या करना है, आप पहले गिन लो, उंगलियों से ही तो गिना है ना। तो देखो ये 6 तरीके हो गए, ओके, फिर ये भी तो 6 तरीके हो गए, फिर ये भी 6 तरीके हो गए, राइट, और फिर ये 6 तरीके, ये भी 6 और ये भी 6, कोई रह तो नहीं गया ना। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को 6 बार जोड़ना है, तो 6 को 6 बार जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 36 ही तो हो जाएगा, राइट, 36 वेज हो चुका है, इसका फाइनल आंसर तो 36 है। अब जैसे मुझे डर लग रहा था ना पढ़ाते वक्त कि यार मैंने कोई केस मिस तो नहीं कर दिया, वैसे आपको एग्जाम में यही डर सताएगा, तो मेरे पास एक मेथड है, ऑफ कोर्स विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। तो क्या करेंगे, आई नो आप लोगों ने ये मेथड समझ लिया होगा, सोच भी लिया होगा कि मैम अब तो शायद हमें क्लियर हो जाएगा, राइट, वो मेथड क्या है देखते हैं। तो अब की बार आपके पास 4 इवेंट्स है, अगर आप ध्यान दो तो आपको जाना है जयपुर से कोटा, राइट, फिर आपको जाना है कोटा से मुंबई, दूसरा इवेंट हो गया, राइट, फिर आपको मुंबई से आना है कोटा, तीसरा इवेंट हो गया बच्चों, एंड कोटा से जयपुर आना है, चौथा इवेंट हो गया। तो इस बार आपके पास 4 अलग अलग इवेंट है और चारों इवेंट होना कंपलसरी है। अगर बीच में एक भी स्टेप मिस कर दिया तो मैं तो गई, फिर बीच में लटक जाऊंगी, मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी, राइट। तो हमें क्या करना है, जयपुर से कोटा जाना है 3 रास्ते मैम, कोटा से मुंबई जाना है 2 रास्ते, राइट, फिर मुंबई से वापस कोटा आएंगे तो 2 रास्ते, एंड कोटा से जयपुर वापस 3 रास्ते। तो आपने पहचान लिया कि नहीं, तो 6 × 6 ये तो कोई भी बता दे 36। ठीक है, आ गया ना मजा, तो दिस इज अ फन मेथड बच्चों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और परेशान करने वाली हूं, अब मैं क्या करने वाली हूं नेक्स्ट, है ना, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे भले, थोड़ा सा इस मॉडल को थोड़ा और बदलते हैं। मैम अब आप पहुंच तो गए वापस अपनी जगह पे, अब आपको क्या करना है, तो अब मैं मुझे एक्चुअली क्या करना है, मुझे करना है, मुझे राउंड ट्रिप ही करना है अगर आप ध्यान से देखो तो। लेकिन अब मेरी एक शर्त है कि जिस ट्रेन से मैं गई हूं उससे मुझे वापस नहीं आना, समझ रहे हो कि क्या बोला है क्वेश्चन में, थोड़ी सी लैंग्वेज भी ध्यान देंगे। हाउ मेनी डेज अ पर्सन कैन मेक अ सर्कुलर ट्रिप फ्रॉम जयपुर टू मुंबई एंड देन फ्रॉम मुंबई टू जयपुर वाया कोटा, ये तो सेम सर्कुलर ट्रिप बनानी है मुझे, जयपुर से कोटा जाना है, कोटा से मुंबई, मुंबई से कोटा, एंड बैक वापस जयपुर आना ही आना है, लेकिन विदाउट यूजिंग द सेम पाथ मोर देन वंस, विदाउट यूजिंग, मतलब जैसे देखिए एकदम वैसे मुझे वापस आने का मन ही नहीं है, थोड़ा मतलब फन होना चाहिए ना लाइफ में, ट्रैवलिंग में, तो थोड़ा अलग रास्ता चुनना है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो समझ लो ये ए बी और सी है, ये 1 और 2 है, गए ए वन से और वापस कैसे आए, तो 1A से बिल्कुल नहीं आ सकते बच्चों, 1A तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये छोड़ दो। ठीक है, तो 1B से आ सकते हो, बाकी किसी भी जगह से आ जाओ, 1A से वापस नहीं आ सकते हो, तो मतलब आप समझ सकते हो कि
प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, अब मैं ये मेथड नहीं यूज करूंगी, है ना, क्योंकि अब हम बड़े हो गए, 15 मिनट में वी हैव ग्रोन अप, ठीक है। अभी भी मेरे पास 4 इवेंट्स हैं, हम डायरेक्ट करेंगे, जा रहा है जयपुर से कोटा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम में गलती कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, जा रहा है जयपुर से कोटा 3 इवेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, कोटा से फिर मुंबई, यहां पर भी कोई टेंशन नहीं है। अब जब वापस आऊंगी मैं, तब मैं सोचूंगी यार जहां गए थे मैं दोबारा उससे आने में इंटरेस्टेड नहीं। तो आप खुद ही देख लो कि अगर मैं 1 से गई तो मैं 2 से आऊंगी, और मैं अगर 2 से गई तो 1 से आऊंगी, मतलब कुल मिला के जाते वक्त अगर 2 रास्ते थे तो आते वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, राइट, तो ये हो जाएगा 1। एंड पे आगे आप देखो, अगर मैं ए से गई हूं तो मुझे ए से वापस नहीं आना है, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बच रहे हैं, बी या सी। अगर मैं बी से गई तो मुझे फिर ए और सी से आना पड़ेगा, मतलब बेसिकली काउंटिंग तो सेम ही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब आप ही बता दो, 3 2 6 6 2 12 वे से ये हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो इससे आपका कोई भी केस मिस नहीं होगा, अगर आप ठीक तरीके से सोचेंगे राइट डायरेक्शन में तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज गेटिंग फन, है ना, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बहुत हो गया यार जयपुर कोटा मुंबई, पहुंच गई मैं वापस अपनी जगह पे, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बोला गया है। अब थोड़ा कॉइंस में जाते हैं, है ना, तो आपकी अगर पॉकेट में कॉइंस है तो फटाफट निकाल लो और देख लो कि क्या सीन है, हेड टेल कैसा दिखता है एंड ऑल, ठीक है। तो क्या होता है, हमने क्या किया, एक कॉइन को 2 बार टॉस कर दिया, है ना, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस कर दिया, या फिर हमने क्या किया, अगर आपके पास 2 कॉइन है ना सेम एकदम आइडेंटिकल, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, एक ही बात है, या एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दो, बात एक ही है। तो आपको सैंपल स्पेस लिखनी है बच्चों, सैंपल स्पेस का यहाँ पे मतलब ये है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो पॉइंट्स हम समझते हैं, तो यहां पे मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं कि आप कैसे किसी भी चीज के आउटकम्स लिख सकते हो, ठीक है। तो अब सैंपल स्पेस में हम लोग घुस चुके हैं, राइट। अब आपको आपको पता है कि एक कॉइन अगर आप उछालते हो तो आपको भी पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, ओके, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट, हेड टेल आपको ऐसे लिखना है, हेड टेल, ठीक है। अब उसके बाद आपको डबल लिखना, आपने ऑल्टरनेट लिखा ना, उसके बाद आपको एच एच टी टी लिखना है। बोलो क्या आप सोच सकते हो, आप खुद ही समझ सकते हो कि या तो दोनों पे हेड आ जाए या तो दोनों पे टेल आ जाए, या तो फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, ये तो सोचा जा सकता है, ये तो उंगलियों पे गिना जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गए, 4 आउटकम्स हो गए, तो बेसिकली 4 वेज से आपका आंसर आ सकता है, 4 आपके आउटकम्स हो सकते हैं, 4 सैंपल स्पेस हो सकती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो भी हमने जस्ट अभी एक बहुत ही बढ़िया चीज पढ़ी थी कि आपके कितने इवेंट हो रहे हैं बच्चों, तो मैम 2 इवेंट्स हो रहे हैं, पहला कॉइन टॉस करो फिर दूसरा करो, 2 इवेंट्स ही हो रहे ना, पहला इवेंट कितने तरीकों से हो सकता है, तो मैम या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 वेज से हो सकता है। दूसरा इवेंट कैसे हो सकता है, या तो मैम हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, तो ये भी तो कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब फोर जो है वो आने ही वाला था, ये इस मेथड से भी प्रूव हो रहा है। आप देख लो कि 4 आने वाला है, तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी, श्योरिटी हो जाएगी कि भाई साहब आपने कोई मिस नहीं किया है, यही है जो भी है कंफर्म, ठीक है, फिक्स हो गया है, ये चिपक गया है दीवार पे, कभी नहीं मिटेगा, ठीक है। तो ये 4 वेज हो गए। अब मैं आपको ऑफकोर्स एक और मेथड की बात कर रही थी, ठीक है, वो है ट्री मेथड, बहुत ही अच्छा मेथड है बच्चों, ये वाला बहुत ही अच्छा मेथड, ट्री मेथड, तो आपको नेक्स्ट ईयर अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो भी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। तो ये मेथड अच्छे से समझ लेना। आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक सिक्का उछाला और आपने देखा कि हेड आया या फिर टेल आया, है ना, लेकिन अभी आप रुकना नहीं है क्योंकि 2 पॉइंट्स टॉस करना है, 2 बार ही टॉस करना है, ठीक है। तो आपने तो अभी एक ही सिक्का उछाला, या तो हेड आया या टेल आया। अब अगर पहला हेड आया और आपने क्या किया, दूसरा भी तो उछालना है, दूसरा उछाला सिक्का, दूसरा टॉस किया, तो आपका हेड तो आया था, अब आपका दूसरा वाला कॉइन या तो हेड आएगा बच्चों या तो टेल आएगा, ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटी होगी, राइट। तो ये तो हो गया डन डन डन, है ना। अब
दूसरा कॉइन फिर अगेन या तो हेड या तो टेल। अब आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, मैंने ब्रांच बनाई तो एक्सपेरिमेंट किया, या तो फर्स्ट हेड आया या टेल आया, पहला हेड दूसरा हेड एक केस, पहला हेड दूसरा टेल दूसरा केस, फिर टेल हेड टेल टेल। आप देखो थोड़ा थोड़ा यही तो नहीं, अरे एग्जैक्टली यही है बॉस, एग्जैक्टली यही है, कुछ भी नहीं बदला है, बस रिप्रेजेंटेशन बदला है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपको दोनों मेथड्स बहुत अच्छे से आने चाहिए राइट। अब ये भी हो गया डन, ये भी डन एंड डस्टेड। थोड़ा सा अब बढ़ाएं क्या, थोड़ा माहौल गर्म करते हैं, ठीक है आगे बढ़ते कि क्या लिखा है। अच्छा तीन पॉइंट्स, यही तो बच के कैसे जाओगे, क्योंकि कुछ बच्चे उंगलियों पे गिनते हैं, उनको लगता है अरे मैम हम तो उंगलियों पे गिन लेंगे आप रहने दो, लेकिन यार जब थोड़े से बड़े क्वेश्चन आते हैं ना तब डर ये लग जाता है कि कोई केस मिस तो नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं लगता कौन सा केस है जो मिस कर रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये मेथड समझना। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, या फिर तीन कॉइन्स को आपने एक एक बार टॉस कर दिया तो सैंपल स्पेस निकालें। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं। इस बार आप बताओ बच्चों, तीन इवेंट्स हो रहे हैं, पहला कॉइन आपको क्या देगा, या तो हेड या तो टेल, दूसरा कॉइन आपको क्या देगा, या तो हेड या तो टेल, तीसरा कॉइन आपको क्या देगा, या तो हेड या तो टेल। तो भाई साहब आठ आउटकम्स होने वाले हैं, ठीक है ओके। अब कोई बच्चा ये बोल देगा अरे मैम वो शोले वाला कॉइन नहीं है ये, मैं ये बता देती हूँ, शोले मूवी देखी है अगर आपने तो उसमें उसने क्या किया था, उसने चीटिंग कर ली थी, उसने क्या किया था, दो कॉइन्स लेके जोड़ दिया, इस तरफ भी हेड इस तरफ भी हेड, तो आएगा तो हेड ही आएगा। तो ये गलती नहीं है, ये एकदम अनबायस्ड कॉइन्स है बच्चों, अनबायस्ड कॉइन्स। आपको समझ रहे हैं अनबायस्ड कॉइन्स क्या होते हैं, अनबायस्ड कॉइन्स होते हैं जिसमें एक तरफ हेड आता है और एक तरफ टेल आता है, और दोनों के आने के चांसेस बराबर ही होते हैं। तो दिस इज अनबायस्ड कॉइन, इसलिए हेड टेल हेड टेल हेड टेल ये ऑप्शन है। अब आठ है ठीक है, तो हम नाम कैसे बनाएं, तो सबसे पहला तरीका क्या है, फिर से अगेन आठ है ना, तो आठ बार आप लिख दो एच टी एच टी एच टी एच टी, दिख रहा है ना, वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर, आठ बार लिख दिया ऑल्टरनेट। अब दो दो बार लिखो, तो कैसे लिखेंगे, एच एच टी टी एच एच टी टी, दैट्स इट, दिख रहे हैं आठ बार। अब आपको चार चार बारी लिखना है, जैसे आपने दो दो बारी लिखा ना, अब चार चार बारी एच 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 टी 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 टी। अब आप देखो कि कोई केस मिस भी नहीं होगा, और मतलब बहुत ही स्मूथ है, ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे ना कभी गड़बड़ नहीं होगी। आई नो कि आप वेट कर रहे हो, मैं ट्री से भी बता दो, तो ट्री से भी बता देते हैं ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया, या तो हेड आया, थोड़ा दूर लिखना जरूरी है क्योंकि तीन बार ही टॉस करना है ना तो जगह कम पड़ जाएगी है ना। एक्सपेरिमेंट किया और हेड आया एंड टेल आया, पहली बार पहला सिक्का उछाला, या तो हेड आया या टेल। अगर पहला हेड आया तो दूसरा सिक्का जो है या तो हेड या तो टेल ऐसा आ सकता है ना, यस है ना, तो ये एक तरह से हो गया। फिर उसके बाद दूसरे अगर टेल आया तो दूसरा सिक्का या तो हेड या तो टेल, राइट। अभी तो दूसरा ही किया, तीसरा बाकी है बच्चों। तीसरा सिक्का उछाला तो आप देखो या तो हेड या तो टेल, 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 क्या कर रही हूं मैं, देखो अब क्या हुआ, पहला केस एच एच एच, तीनों पे एच एच एच, दिस इज द फर्स्ट केस राइट। फिर एच 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 टी, सेकेंड केस एच एच टी, नंबर वन एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच एच टी टी, फिर टी एच एच टी टी, फिर टी एच एच एंड देन टी एच टी, फिर टी टी एच टी टी टी। बोलो एकदम सेम ऑर्डर फॉलो किया है, और आप कभी भी इससे कोई भी केस मिस नहीं करोगे, और आपका आंसर गलत आने का चांस ही नहीं है क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया। इसको बोलते हैं दूर की नजर बहुत तेज होना, है ना, ऐसा नहीं कि रैंडम लिखने बैठे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कितने आएंगे, पहले ही हमें पता है आठ केसेस आने वाले, तो हम गलती करने का चांस करेंगे ही नहीं राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ठीक है, और अब थोड़ा सा डाइस में घुसते हैं। आपको पता है डाइस क्या होता है, अगर नहीं पता है, बचपन में नहीं खेला है, लूडो तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी खेलते हैं, अब तो ऑनलाइन भी खेलने लग गए। तो ऐसा क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सच में होता है क्यूब टाइप का, और उसके ऊपर ऐसे डॉट्स बने होते हैं,
तो छह फेसेस होते हैं क्यूब के, आपको पता है छह फेसेस होते हैं और डॉट्स बने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मैं तो नंबर लिख रही हूँ, वहां पे तो एक्चुअली डॉट्स होते हैं, 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर सबसे बड़ा नंबर 6 डॉट्स। ठीक है, तो डाई अगर रोल करेंगे, एक डाई से आप रोल करोगे तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, सैंपल स्पेस लिख रहे हैं। ठीक है, ये सैंपल स्पेस आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए आज आप दिल लगा के पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आपसे पूछा जाएगा, आता है ना बस। ठीक है, चलो सैंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6, दैट्स इट। 7 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं, राइट। अब ये तो बहुत इजी हो गया, आपकी वन डाइस रोल तो बहुत इजी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब थोड़ा सा समझते ट्वाइस, एक डाइस को दो बार रोल किया है ना तो वो थोड़ा मजा आएगा, तो थोड़ा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, है ना। तो अब दो डाइस हैं आपके पास, तो क्या कैसे लिखेंगे नाम सैंपल स्पेस, तो समझते आप क्या करो, पहले ना ऐसे लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे मत सोचना, मैं आपको सोचना सिखा रही हूं, ऐसे रैंडम मत शुरू हो जाना, मैम 3.4, मैम 5.6, रैंडम करेंगे तो फिर कैसे पकड़ोगे कि क्या छूट गया, यही तो पॉइंट है ना। तो इसीलिए पहले ये समझ लेते हैं कि कितने आउटकम्स आएंगे। तो दो इवेंट्स हो रहे हैं, पहला आउटकम, पहले डाइस पे कितने आउटपुट होगा 6, दूसरे डाइस पे कितना आउटपुट होगा 6, तो 36 टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो हम तैयार हैं वो 36 कॉम्बिनेशन अभी इस बोर्ड पे लिखने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तीन बार ही हुआ है, अभी रुक जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चार बार ही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पांच बारी एंड द लास्ट। ठीक है, इसको छोटा सा लिख देते हैं, 6 × 6 = 36, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, अभी एक और बार लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपने क्या करा, पहले वाले डाइस के सारे यही आउटकम्स हो सकते हैं ना, ऐसे लिखना है आपको। अब दूसरे वाले के लिखो, ठीक है, तो दूसरे वाले के कैसे लिखेंगे, देखो 1.1, फिर 1.2 होगा, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, प्रो हो गए ना, अब तो खत्म कर दो। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, है ना, 5.1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये तो बहुत पुराना है, ऐसे लिखने से बच्चों ये आपको ऑलरेडी आता होगा, शायद ये आपने एनसीईआरटी में अपनी प्रीवियस क्लास में देखा होगा, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाऊंगी ना वो आपको ऐसा लगेगा कि मैम ये तो कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया हम लोगों ने। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि आपको दो डाइस रोल करने हैं और आपसे पूछा गया है कि बताओ सम 5 कितनी बार आएगा या सम 8 कितनी बार आएगा, आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सम का क्या सीन है ना, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, येलो। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो मिनिमम सम कितना आएगा, मिनिमम सम कितना आ सकता है, तो मिनिमम सम कितना आ सकता है बच्चों, तो मैम मिनिमम तो दोनों पे एक एक आ जाए तो 2 हो जाए, और मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, देखें तो मैक्सिमम सम मतलब दोनों पे 6 आ जाए तो 12। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि सम 2 कितनी बार आ रहा है, सम 2 कितनी बार आ रहा है, सम इक्वल टू 2 ये कितनी बार आ रहा है, तो देखते हैं मैम 1.1 मतलब एक ही है, आप देख रहे हो एक ही है, अच्छा तो ये 1 वे। ठीक है, सम 3 कितनी बार आ रहा है, बढ़ते जाएंगे ना आगे, तो सम 3 तो मतलब 2.1, 1.2, अब आप देख रहे हो क्या किया मैंने, 2 बार आ रहा है बच्चों, सम 2 2 बार आ रहा है, 2 वेज पे आ रहा है, राइट। सम 3 कितनी बार आ रहा है, अच्छा सम 3 आ रहा है एक्चुअली, तो सम 3 तो शायद आ चुका, राइट, सम 4 ढूंढ रहे हैं, ओके सम 4 ढूंढ रहे हैं, 4, 4, 4, 3.1, 2.2, 1.3, 3 बार आ रहा है,
आप देख रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बातें चल रही है, इससे आप कोई भी केस मिस नहीं करोगे। सोचते नहीं ना जाना है बैठ के कि यार छह सम पूछा था, कोई छोड़ तो नहीं दिया है ना। उसके बाद सम फोर हो गया, सम फाइव कितनी बार आ रहा है तो 4.1, ये देखो सम फाइव आ गया, देखो पूरा 1 2 3 4 चार बार आ रहा है, ऑफकोर्स चार बार आने वाला। उसके बाद सम सिक्स कितनी बार आ रहा है देखें, 5.1 4.2 3.3 2.4 1.5 राइट, तो कितनी बार आएगा 1 2 3 4 5 बार आएगा, 5 वेज। सम सेवन कितनी बार आ रहा है, सम सेवन आ रहा है तो 6.1 5.2 4.3 काट तो चलो 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 पहुंच गए, कितनी बार आएगा बताओ, 6 टाइम्स आ रहा है ना, 6 वेज। गिन लो भैया अच्छे से, गिन लो 1 2 3 4 5 6 बारी आ रहा है राइट। अब थोड़ा सावधान हो जाएंगे क्योंकि जो सम एट है ना, आप देखो सम एट कितनी बार आएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे है ना। ऐसा नहीं कि आप मैम बस आपने बता दिया आप तो हम बढ़ते जाएंगे रुक जाओगे। 6.2 7 8 6.2 5.3 4.4 ये कितनी बार आ रहा है कोई बताएगा, 1 2 3 4 5 फाइव टाइम्स आ रहा है। अब घटने लग गया है पैटर्न, समझ रहे हो। सम नाइन कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स आएगा। सम 10 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आएगा ना, सम 10 9 एंड 3 वेज। सम 11 कितनी बार आ रहा है तो 2 टाइम्स आएगा, एंड सम 12 एक बार आएगा। फाइनली आप देख रहे हो ऐसे बन रहा है, आप देख रहे हो कैसे बन रहा है सम 12। तो आप बस क्या याद रखो, पता है आपको क्या याद रखना चाहिए, सबसे मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा है, सम 7 सबसे ज्यादा बार आता है। सात के आगे जाओगे तो एक एक कम होता जाएगा, सात के पीछे जाओगे तब भी एक एक कम होता जाएगा। तो ये तो हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, 2 डाइस रोल करने पे बहुत ही बड़ा पोस्टमार्टम हो चुका है, ठीक है। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मॉडल चेंज करते हैं, डाइस भी तो आज तो हमने क्या नहीं छोड़ा, पॉइंट्स खेल लिया, लूडो खेल लिया है ना, और ट्रैवल करके आ गए जयपुर से मुंबई। अब क्या बच रहा है मैम आपके पास, अब क्या बच रहा है? तो बच्चों अब बस एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे जवाब दे दो कि अगर आपने 3 डाइस को रोल किया है, 3 डाइस को रोल किया है तो आपके ऑल पॉसिबल आउटकम्स बता दो। तो करते हैं ठीक है, 3 डाइस को रोल किया है तो 6 × 6 × 6 है ना, 6 × 6 × 6 यही होगा ना, मैंने बता दिया चलो है ना, तो 6³ आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं राइट। अब मैं आपको एक चीज रियलाइज करवाने वाली हूं, ठीक है, एक चीज, वो पता है कौन सी चीज है, वो है इंग्लिश टू मैथमेटिक्स कन्वर्जन। अब आप बोलोगे ना मैंने हिंदी टू इंग्लिश सुना है, इंग्लिश टू हिंदी सुना है, इनफैक्ट मराठी टू हिंदी, मतलब काफी सारी चीजें सुनी, ये आप ना नया लेके आ गए हो कि इंग्लिश टू मैथमेटिक्स कन्वर्जन। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने खुद ही कर लिया है ये राइट है ना, तो मैं आपको बताती हूँ क्या किया। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, रिवाइंड करते हैं अपनी चीजों को जो आज हमने पढ़ी है, और समझते हैं कि हमने क्या किया है, और आपने ये ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। मैं आपको ये बोल रही हूं कि इंग्लिश वाला जो एंड होता है ना, एंड इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, इंग्लिश वाला जो और होता है उसका मतलब होता है प्लस, बस इतनी सी बात है, इतना सा कन्वर्जन है, यही भाषा का ट्रांसलेशन है। एंड का क्रॉस मतलब मल्टीप्लीकेशन, और का प्लस, देखें कैसे आपने ऑलरेडी किया है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, मुझे जाना था जयपुर से कोटा राइट, मेरे पास ऑप्शंस थे कितने, या तो ए या तो बी या तो सी, ध्यान देना इधर ए और बी और सी, और इसीलिए आपने 1+1+1 3 कर दिया था। बार बार आप बोल रहे हो जयपुर से कोटा जाने के लिए 3 रास्ते हैं, क्यों, क्योंकि या तो मैं एस ए से जाऊंगी या बी या सी, ध्यान दिया आपने, एंड तो 3 आपने यहां प्लस करके लिखा था। अब कोटा से मुंबई जाना है तो आपने क्या बोला मैम, जयपुर से कोटा तो पहुंच गई, एंड मैंने आपको पहले भी बताया था ये, एंड कोटा से अगर मुंबई जाना है तो फिर आपको इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन इसलिए लगाना पड़ गया क्योंकि आप खुद देखो क्वेश्चन में, खोज लो ठीक है, फ्रॉम जयपुर टू मुंबई वाया कोटा, मतलब जयपुर टू कोटा जाना है, एंड कंपलसरी आपको कोटा से मुंबई जाना है, आप ऐसा ऑप्शनल नहीं है आपके लिए कि भाई कोटा में रुक जाओ नहीं जाना है मन करे, समझ रहे हो ना, तो कंपलसरी मतलब एंड, और या फिर आपके पास ऑप्शन है ना तो प्लस, ठीक है। तो अब यही चीज मैं आपको, अब टाइम आ चुका है आप लोगों का पढ़ाई करने का, ठीक है, तो बहुत आपने
थोड़ा सा फन कर लिया है, अब एक्चुअल जो थ्योरम है जिसके लिए इतनी कहानी गढ़ी है मैंने, वो लिखने का टाइम आ गया है, विच इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको बहुत ही ज्यादा पॉपुलरली FPC के नाम से जाना जाता है। तो इतनी देर से जो हम कर रहे थे वो इन तीन लाइंस में मैंने कंक्लूड कर दिया है, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि अगर आपके पास तीन इवेंट होने वाले हैं, ठीक है, तो तीन इवेंट होने वाले हैं जिसमें से पहला इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वे। पहला इवेंट जो है वो एम तरीकों से हो रहा है, करिस्पोंडिंग टू ईच ऑफ इट, विच दूसरा इवेंट जो हो रहा है वो एम डिफरेंट तरीकों से हो रहा है, एंड करिस्पोंडिंग टू ईच ऑफ विच तीसरा इवेंट जो हो रहा है वो पी डिफरेंट तरीकों से हो रहा है। तो ये तीनों इवेंट्स होने की, साइमल्टेनियसली होने की जो तरीके हैं वो आपको भी पता है, एम इंटू एन इंटू पी, दैट दिस यू नीड टू नो डाउन। आई विल रिपीट दिस, कि इफ द फर्स्ट इवेंट इज हैपनिंग इज अकरिंग इन एम डिफरेंट वेज करिस्पोंडिंग टू ईच ऑफ विच सेकेंड इवेंट इज अकरिंग और हैपनिंग इन एम डिफरेंट वेज करिस्पोंडिंग टू ईच ऑफ विच थर्ड इवेंट इज अकरिंग इन पी डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरिंग साइमल्टेनियस अकरेंस साथ में होने चाहिए, मतलब एंड लगा हुआ होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल डन, ठीक है। तो ये रॉक सॉलिड हो गया है आपका, आई नो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एडिशन प्रिंसिपल देखते हैं कि मैम जोड़ना कब है, मैम मल्टीप्लाई कब करना है, जोड़ना कब है, थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो एक इवेंट है, ठीक है, पर वो तीन ही इवेंट रहे, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर जयपुर से कोटा, तो आपको जाना जयपुर से कोटा ही है, या तो आप ए ट्रेन से जाओ या बी से जाओ या सी से जाओ, तो आपने तीनों में प्लस साइन लगाया, ये थ्री वे, ठीक है। तो इस तरह से के केसेस में आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, पहला इवेंट अगर एन तरीकों से हो रहा है, दूसरा इवेंट जो है वो एन तरीकों से हो रहा है, तीसरा इवेंट अगर पी तरीकों से हो रहा है, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज वेयर एग्जैक्टली वन ऑफ दीज इवेंट अकर विल बी एम प्लस पी, है ना, एग्जैक्टली वन होना है। मतलब हम लोग बहुत चिन्ह है, या तो एम हो जाए, या तो एन हो जाए, या तो पी हो जाए, तो एम प्लस पी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, या तो आपको IIT दिल्ली मिल जाए, या तो आपको IIT मुंबई मिल जाए, या तो आपको क्या मिल जाए, IIT कानपुर खड़गपुर मिल जाए, तो आपका दो तीन और चार, तो फोर बेस हो चुका है, ठीक है, ओके, चार तरीके हो चुके। आगे बढ़ते और देखते हैं कि नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इन आवर प्लेट। सो नाउ वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन विथ, आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा पिक्चराइजेशन है, हैंडसम बॉयज है यहाँ पे। क्या बोला है, बॉयज नहीं एक्चुअली स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स जैसे दिख भी रहे प्यारे पे ना। 12 स्टूडेंट्स कंप्लीट फॉर अ रेस, कंपीट फॉर अ रेस, ठीक है। तो 12 बच्चे एक रेस में दौड़ रहे, है ना, 12 बच्चे एक रेस में दौड़ रहे हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच द फर्स्ट थ्री प्लेसेस कैन बी टेकन, मतलब कोई तो फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, फोर्थ कौन आ रहा है उससे हम इंटरेस्टेड नहीं है। हमें क्या करना है, एक बच्चे को फर्स्ट करना है, एक सेकंड, एक थर्ड। इन 12 में से कोई भी फर्स्ट आ सकता है, इन 12 में से कोई भी फर्स्ट आ सकता है। कितने तरीकों से ऐसा हो सकता है, कितने कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं, कितने चीजें ऐसे बन सकती है कि मतलब समझ लो कि ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 नंबरिंग कर दी बच्चों की मान लो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला बच्चा मान लो थर्ड आ गया, पता ऐसे कर लो ABC ज्यादा बेटर रहेगा, ABCDEF राइट, इस तरह से GHIJKL। अब आप इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी एक बच्चा है उसको आपको फर्स्ट नाम देना है, कोई भी दूसरा बच्चा सेकंड करना है डिक्लेयर, और कोई भी तीसरा बच्चा थर्ड करना है। तो ऐसे कितने तरीकों से हो सकता है। अब ऑफ कोर्स हम लोग ऐसे गिनने नहीं बैठेंगे ना, हमने सीख लिया है। तो कितने इवेंट्स हो रहे हैं बताओ, तीन इवेंट्स हो रहे हैं, कैसे, या तो कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, है ना। अब फर्स्ट कितने बच्चे आ सकते हैं, सबसे पहले आप फर्स्ट पोजिशन चुन लो। तो फर्स्ट तो मैम 12 के 12 में से कोई भी एक, तो कितने ऑप्शन है आपके पास, 12 ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजिशन ऐसे लिखो अच्छे से, है ना, अच्छे से लिख लो, नोट्स अच्छे से बनाएंगे। फर्स्ट पोजिशन कैन बी टेकन बाय 12
स्टूडेंट्स, सारे मेल स्टूडेंट्स बना दिए यार मैंने ना, फीमेल भी रखने चाहिए थे। फर्स्ट पोजिशन कैन बी टेकन बाय 12 स्टूडेंट्स, तो 12 है ना। उसके बाद सेकंड पोजिशन, अब यार एक तो गया ना, अब उसको वापस से सेकंड थोड़ी दे देंगे कि तू भाई फर्स्ट भी आया सेकंड भी आया। तो एक को तुम बोलो तुम जाओ, फर्स्ट मिल गया तुमको, अब तुम शांति से बैठो। अब तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं? 11 बच्चे हैं, ठीक है। तो सेकंड पोजिशन कैन बी टेकन बाय 11 स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड थर्ड पोजिशन कैन बी टेकन बाय बताओ कितने? 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि फिर से एक और गया। चलो तुम जाओ घर जाओ घर जाओ, फर्स्ट प्राइज मिल गया, सेकंड प्राइज भी मिल गया, घर जाओ। अब कितने बच गए? 2 काट दोगे, 10 में से 2 गए, कितने बच गए? तो 11, तो 11 एंड 10। अब मुझे बताओ जोड़े प्लस करें या मल्टीप्लाई करें? अगर ऐसा कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप बोल के देखो, क्वेश्चन पढ़ लो। नंबर ऑफ वेज इन विच द फर्स्ट 3 प्लेसेस कैन बी टेकन, मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास 3 पोजीशन पड़ी हैं, मेरे पास माइक पड़ा है, स्कूल में मुझे डेफिनेटली अनाउंस करना ही करना है, फर्स्ट कौन आएगा? तो एंड है, ऑप्शन नहीं है, एंड सेकंड का भी नाम लेना ही लेना है, थर्ड का भी नाम लेना ही लेना है, तो ऑफकोर्स मल्टीप्लाई आएगा बच्चों, है ना। तो कोई ऑप्शन ही एंड, फर्स्ट पोजिशन दे दो मैम एंड सेकेंड पोजिशन भी दे दो एंड थर्ड पोजिशन भी दे दो, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1320। ऐसे होता ना, 12 और 11 कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं और इसको बीच में जोड़ देते हैं, और एक जीरो तो था ही, है ना। तो 1320 का हो गया, जीरो यहाँ हो गया, 1320 वेज से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये एकदम ऐसा सवाल है जो आपको हर किताब में मिलेगा, हर बच्चे के नोट्स में मिल जाएगा, किसी की भी टीचर के नोट्स उठा के देख लोगे तो ये जो सवाल है ना मिलता ही मिलता है। क्या कहता है ये सवाल? ये सवाल कहता है कि आपके पास 4 किताबें हैं, PCM तो है ही, ऑफकोर्स आप PCM के स्टूडेंट्स हो, और बायोलॉजी भी है। ओह अच्छा, बायोलॉजी क्या कर रही है पता नहीं, 10th का बच्चा होगा। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो की भी बुक है, राइट। इन बुक्स को 4 बॉक्सेस पे अरेंज करना है, इन हाउ मेनी डेज वी कैन डू इट? अगर सिर्फ एक किताब एक बॉक्स में जा सकती है, ऐसा नहीं कि मैम चारों एक में डाल दी, एक किताब एक बॉक्स में जाएगी, वो बॉक्स का काम खत्म हो गया, अब आपके पास दूसरा बॉक्स है, ठीक है। तो ऐसा कैसे करेंगे? थोड़ा पिक्चर से देखते समझते हैं कि चल क्या। तो मैं आपके लिए एकदम कलरफुल किताब एंड एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के बॉक्स लेके आई, किताबें तो कलरफुल है। तो फिजिक्स केम मैथ्स एंड बायो, ठीक है। तो अब क्या सीन हो रहा है यहाँ पे देखते हैं कि ओके, आपके पास 4 किताबें हैं, आपके पास 4 बॉक्स है। अब आपको क्या करना है, कोई भी रैंडमली आप एक किताब उठाओ, कोई भी, सब आइडेंटिकल बॉक्स है, और उनको किसी भी एक बॉक्स में डाल दो, ठीक है। ओके एक सेकंड, आइडेंटिकल है कि नहीं चेक करते हैं। 4 बॉक्सेस, ओनली 1 बुक कैन गो इन 1 बॉक्स, नहीं आइडेंटिकल नहीं, ठीक है। मतलब बॉक्स आइडेंटिकल होंगे ऑफकोर्स, बॉक्स आइडेंटिकल होंगे ऑफकोर्स, लेकिन बुक्स तो अलग अलग, बुक्स अलग अलग है। तो पहला बॉक्स अगर आपने उठाया, फर्स्ट बॉक्स आपने उठाया, इसमें कितनी किताबें जा सकती हैं? इसके पास कितनी किताबें आप डाल सकते हो उसके अंदर? कितने? एक ही डाल सकते हैं, लेकिन कौन सी डाल सकते हो बच्चों? तो या तो आप फिजिक्स डाल दो, या तो आप मैथ्स डाल दो, ध्यान देना, या तो मतलब और इधर आप फिजिक्स डालो और केमिस्ट्री या मैथ्स या बायो, मतलब 1+1+1+1, 4 तरीकों से आप ये फर्स्ट बॉक्स को फिल कर सकते हो। सेकंड बॉक्स की बात करते तो अब सेकंड बॉक्स एक गया ना, ये मान लो आपने किताब डाल दी बॉक्स में, अब तो आपके पास कितनी? 3 किताबें बच रही हैं। सेकंड बॉक्स जो है, और बॉक्स भी चले गए, कोई भी बॉक्स काट दो, सेकेंड बॉक्स में आपकी कितनी किताबें डाल सकती है? या आपने बॉक्स लेके खड़े हुए या क्या? ये मैथ्स या बायो, ठीक है। तो 3 वेज आई नो आप लोगों ने मुझसे पहले कर लिया होगा, ठीक है। थर्ड बॉक्स की मैं बात करूं तो ये कितने तरीकों से हो सकता है बच्चों? एक बॉक्स भी गया, एक बुक भी चली गई, अब 2 बुक बची है, तो ये बॉक्स में 2 जा सकती है, तो 2 वेज। फोर्थ बॉक्स के लिए 1 वे, तो बताओ क्या है? 4 into 3 into 2 into 1 equal to 24 ways,
जो बच्चे अभी भी ऐसा सोच रहे हैं मैम कब मल्टीप्लाई कर देते हो कब प्लस कर देते हो हमें तो समझ ही नहीं आता, तो मैं उनको बता देती हूँ कि आपको कंपलसरी है किताब डालना। तो फिजिक्स डालने के बाद आप ऐसा नहीं चिल नहीं कर सकते कि मैम अब मैं करूंगा देखूंगा एक साल बाद डालूंगा, आपको अभी ही दूसरी किताब कंपलसरीली डालनी है बॉक्स के अंदर, मतलब एंड आ गया है। आप केमिस्ट्री डालो एंड आप मैथ्स डालो, बच्चों आपको बचपन से पता है आप होमवर्क करते हो तो ऐसे चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं होती है ना कि मैथ्स वाली टीचर आके बोल रही है आपको कि बच्चों या तो फिजिक्स का होमवर्क कर लेना या मैथ्स का कर लेना, समझ रहे हो ना, कंपल्शन होता है। फिजिक्स का भी आपको करना है मैथ्स का भी आपको करना है तो बीच में एंड लगा हुआ है, मतलब आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे चीजों को तो आपका फाइनल आंसर आएगा, राइट ओके है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ओके, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, तो अब ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब सिनेमा हॉल टाइप का क्वेश्चन आया है। तो आप सिनेमा हॉल में गए और आपको जाके पता चलता है कि आप चार दरवाजे हैं जो एंट्री के दरवाजे हैं, चार तरीकों से आप एंटर कर सकते हो उस ऑडिटोरियम में और पांच तरीकों से आप एग्जिट कर सकते हो ऑडिटोरियम में। ऑफकोर्स अब आप जाओगे तो आपको बाहर तो आना ही है ना, तो यहाँ पे उसने खुद भी बोल ही दिया है कि आपको एंटर भी करना है और एग्जिट भी करना है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट कैन एंटर एंड एग्जिट द ऑडिटोरियम। ठीक है, अच्छा ऑडिटोरियम उप्स पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेमिनार लगाया तुम्हारे स्कूल वालों ने, ठीक है तो ऑडिटोरियम है, सिनेमा हॉल नहीं है, ज्यादा खुश मत। ठीक है, तो आपको ऑडिटोरियम में जाना है, चार दरवाजे हैं घुसने के, पांच दरवाजे हैं निकलने के, तो कितने तरीकों से आप ऐसा कर सकते हो, कितने इवेंट्स हो रहे हैं बताओ। तो पहला इवेंट एंटर करने का है, एंटर करने के चार तरीके, एग्जिट करने के पांच तरीके, तो 20 वेज इज योर आंसर। ठीक है, एंटर करने के चार तरीके, एग्जिट करने के पांच तरीके, 20 वेज इज योर आंसर। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और मतलब मजा दिलाता है इस क्वेश्चन में बेसिकली। अब ये तीन कहानी है, ठीक है, तो आपको जाना ऑडिटोरियम में ही है, लेकिन इस बार ये क्या कर दिया है, कभी कभी चेंजेस कर देते ना स्कूल वाले, तो क्या करते हैं वो लोग, अब बोलते हैं एंटर एग्जिट अलग अलग मत करो, सेम कर दो, है ना। तो अब पांच दरवाजे हैं जिससे आप या तो एंटर करो या एग्जिट करो, समझ गए ना, सिर्फ घर में होता है एंट्री एग्जिट का एक ही हो गया आपका, है ना, दरवाजे हैं तो एंट्री भी कर सकते हैं उससे एग्जिट भी कर सकते हैं, तो टोटल पांच है, चाहे आप एंटर करो चाहे आप एग्जिट करो, लेकिन 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 प्रॉब्लम इतनी सी है कि बट द सेम डोर कैन नॉट बी यूज्ड टू एंटर, सेम दरवाजे से अगर आप अंदर उस दरवाजे से आए हो तो बाहर आप उससे नहीं आओगे, आपको दूसरा दरवाजा चुनना पड़ेगा। जैसे हमने थोड़ा सा वो सर्कुलर ट्रिप में किया था तो हुआ ये था कि अभी भी आपको एंटर करना है पहला इवेंट, एग्जिट करना है दूसरा इवेंट, है ना। एंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घुस जाओ जैसे घुसना है पांच तरीकों से घुस जाओ, लेकिन जब आप एग्जिट मारोगे तब आपको याद आएगा कि भाई साहब जिस दरवाजे से गए थे उससे वापस आने देंगे नहीं, सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा अरे तुम तो एंटर हुए थे, है ना, तो वो नहीं घुसने देगा, तो हम क्या करेंगे, बच्चे जो चार ऑप्शन है ना वहां पे जाएंगे, तो 25, 4, 20 हमने पिछले में क्या किया था, पिछले में हाँ ओके करेक्ट है ना, 5, 4, 20 करेक्ट किया था, करेक्ट करेक्ट है ना, तो यहाँ पे भी 20 वेज है, क्योंकि पांच दरवाजे, लेकिन अगर पांच से घुसे हो तो पांच से एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन दिया है उससे वापस नहीं आ सकते हो तुम, दैट्स द ओनली कंडीशन। ठीक है ओके राइट है ना, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे और वाइंड अप करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया तो मतलब जो आप इतना टाइम मेरे साथ रुके हो पढ़े हो आप समझ जाना कि वो सब वर्थ है। ठीक है ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स, इवन नंबर बनाने हैं और तीन डिजिट के बनाने हैं, कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। साफ साफ बोल दिया है कि डिजिट्स को रिपीट करना अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप ऐसा नंबर बना सकते हो 1, 1, 2, इवन भी हो गया है ना, डिजिट्स रिपीट भी हो गए, आपको मन करे तो ना करो, ऐसे जबरदस्ती नहीं है कि रिपीट करना ही है, 1, 2, 4 ये भी एक नंबर हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो कैसा हो सकता है, 2222 भी एक नंबर हो सकता है, 112 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 हो सकता है, इवन नंबर बनाना है इसलिए, तो इस तरह के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो तीन अगर प्लेसेस हैं तो तीन इवेंट्स हो रहे हैं, ध्यान से करना है ना। अब मैं आपको एक टिप ऑफ द डे देती हूँ, है ना, जाते जाते एक टिप,
आगे हम ऐसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं बच्चों। जब भी आपको ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन दी हो ना कि भाई साहब ऐसा करना है, तो सबसे पहले स्पेशली नंबर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस प्लेस के लिए आपको कंडीशन दी है ना, सबसे पहले आप उस पे फोकस करेंगे। तो इवन नंबर तो तभी बनेगा जब आपकी यूनिट डिजिट पे इवन नंबर आएगा, सबसे पहला दिमाग तो यही आया, तो आप सबसे पहले इसकी तरफ जाओ। ये सब बाद में करते रहना, ये होता रहेगा, सबसे पहले आप इसकी तरफ जाओ, ठीक है। बेस्ट पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि कहीं जीरो तो है नहीं, तो बहुत टेंशन फ्री है हम। अब वो इवन नंबर कैसे बन सकता है, तो या तो बॉस टू आ जाए या फोर आ जाए या सिक्स आ जाए, तो कितने रास्ते हैं इस पोजिशन को फिल करने के लिए, तो मैम थ्री वेज है ना। अब इसका टेंशन खत्म, अब रिलैक्स करके आराम से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इस पोजीशन पे कुछ भी आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बताओ अगर यहाँ पे टू आया तो यहाँ पे टू आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है बच्चों। तो मतलब यहाँ पे इन छह में से कोई भी डिजिट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिक्स वेज हो गए। एंड यहाँ पे सभी कोई फर्क नहीं पड़ता तो सिक्स वेज हो गए। तो अब क्या करोगे, सिक्स सिक्स थ्री प्लस करोगे कि मल्टीप्लाई, है ना? ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि तीन डिजिट नंबर बनाना है, तो क्या ये टू बना के इस पे, ये क्या तीन डिजिट नंबर है क्या? फर्स्ट दो को खाली छोड़ दिया तो थ्री, मतलब कंपल्सरी आपको तीनों लेटर्स फिल, तीनों डिजिट फिल करनी है, राइट? तीनों जगह फिल करनी है, एंड आ रहा है फिल हंड्रेड वाला प्लेस, टेंथ वाला प्लेस एंड यूनिट वाला प्लेस, एंड लग गया तो मल्टीप्लाई तो करोगे ही करोगे। तो 36 क्रॉस 3 कितना होता है बताओ? 6 3 जा होता है 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 108 वेज। और इसी के साथ ये सेशन जो है वो हम खत्म करते हैं, राइट? तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे अब हम और बहुत मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट अब हम कम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक्चुअल घुसने वाले हैं नेक्स्ट सेशन से। So this is Namrata signing off.